देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शिवानी, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा एकदम सुपर है। कौन सुपर है, तुम या तुम्हारा बच्चा? दोनों दोनों। हमें भी उनका फोन आया था, कहा कि बच्चे की सेहत एकदम सही है और कहा कि पेट में पल रहे बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं ये कोई तुमसे सीखे। शिवानी को थोड़ा रेस्ट चाहिए माँ, जर्नी करके आई है ना। ठीक है बेटा। ए जीरो, ये सब ड्रामा भी सिर्फ एक्टिंग है ना? शिवानी रुको, मैं काट के देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे ही खा लूंगी, अच्छे लग रहे हैं। मेरा मैंगो डॉली, आम लेट, ये सब मेरे लिए है। ले लो बेटी, मुझे पता है आम तुम्हें पसंद है, इसीलिए नंदिश से कह कर मंगवाए हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू। मेरा मैंगो डॉली, टच मेरा नरम, पर थोड़ा गरम, जो छेड़े मुझको मार गोली। शैलू, पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी, लेकिन ये आम मांगे ना तो नहीं दूंगी। ये सब मुझे चाहिए। शैलू, ये सब क्या है? तुम तो ऐसे खा रही हो जैसे तुम सच में पेट से हो। अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? शांति से खाने भी नहीं दे सकते। पहले ये सब खाकर खत्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठकर हम बातें करेंगे, ठीक है ना? जाइए यहाँ से, जाइए। ये कर क्या रही है, जैसे किसी भूत ने जकड़ लिया है इसे। अब ये क्या है, कच्चे आम? क्या हुआ बेटी? अब ये कच्चे आम यहाँ किसने रखे हैं? प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कर रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से तुम अपनी इच्छाओं को आशाओं को पूरी कर रही हो ना, उसे देखकर तो लगता है कि तुम सच में ही प्रेग्नेंट हो। अरे रे, आप लोग क्यों इतना डर रहे हैं? डोंट वरी, बी हैप्पी। अच्छा वैसे मैं पूछ रही थी कि अगर कोई इतना आम खा लेगा तो उसका पेट तो खराब ही हो सकता है। अरे अरे, तुम तो ऐसे खा रही थी जैसे तुम्हें हफ्ते भर का खाना मिला ही नहीं था, और अब तुम हमें डांट रही हो क्या? क्या मैंने खाया? अरे तुमने ही तो खाया, तुम ही तो कह रही थी पहले मुझे ये खत्म करने दो। क्या बात है शैलू, ये सब क्या चल रहा है? और डॉक्टर ने भी तो रिपोर्ट में यही बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी तुम प्रेग्नेंट दिख रही हो। वो सब तो सेटिंग है, सेटिंग है मामा मामी। और इस तरह आम का खाना भी सेटिंग है क्या? सबके सामने खा रही हो वो नाटक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम हैं तब भी आम खा रही हो, ये भी सेटिंग है क्या? जिस तरह से तुम बर्ताव कर रही हो ना, उसे देखकर लगता नहीं है कि ये सेटिंग है, लगता है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। बेटा हमारी शिवानी प्रेग्नेंट थी, और ये शैलू, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और हाँ, शैलू को पता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, इससे मैं और परेशान हो गई हूँ। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है माँ, उस दिन शिवानी प्रेग्नेंट थी और आज शैलू प्रेग्नेंट है, यही सब उलझन मेरे दिमाग में है। अगर आज शिवानी जिंदा होती
तो उसके पेट में पलने वाले बच्चे का जो विकास होता उतना ही आज शैलू के बच्चे का है। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? पता नहीं बेटा, ये सब देखने के बाद मुझे कुछ अजीब लग रहा है। माँ, जब मैंने शिवानी के पेट में पल रहे बच्चे को देखा था मुझे कुछ अलग ही लग रहा था, और आज शैलू के बच्चे को देखा वो भी कुछ अलग ही लग रहा था। वो क्या था ये मैं आपको कैसे बताऊं? ठीक है बेटा, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? हमारी शिवानी क्या वापस लौट कर आई है और अपने पेट में पल रहे बच्चे को संभाल कर वापस लाई है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है माँ, लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा है कि ये जो है वो शैलू नहीं है, ये मेरी शिवानी है। माँ, मेरा मन कह रहा है कि यही सच है, चाहे कुछ भी हो मुझे यकीन है मेरी शिवानी वापस लौट कर आई है और अपने पेट में पल रहे बच्चे को सेफ वापस लाई है। अब चाहे जो भी हो माँ, उन दोनों की देखभाल करना मेरा फर्ज है। ये सब हमारी दुआओं का असर है बेटा, हम सबने जो मांगा वो सब मिल रहा है। जैसे तुम्हें विश्वास है कि ये शिवानी है और उसका बच्चा मेरा पोता है, मुझे भी यकीन है। मिल गया, सही संकेत मिल गया, वो नागिन है, इस बात का हमें प्रूफ मिल गया है। क्या बोल रहे हो? क्या ये बात सच है? हाँ तृष्णा, देखो दिग्विजय, ये फल उसने खाया था। नाग के दांत लगने से फल का रंग बदल जाता है, ठीक से देखो दिग्विजय। ये सबसे जहरीला विष है, ये जहर सिर्फ सांप में होता है। ये जहर अगर किसी फल को छू ले तो उसका रंग बदल जाता है। अब और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें? यानी कि वो सच में एक नागिन है और वो अनजान बनने का नाटक कर रही है? हाँ दिग्विजय, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है वो किसी खास दिन का इंतजार कर रही है। शायद नागमणि को अपने पेट में रखकर तुम्हारी बलि लेने का इंतजार कर रही है। तो फिर अब हम क्या करें? आखिर उससे बचेंगे कैसे? उससे बचना नहीं है, उसे मारना है। आज रात उसे मारकर उसके पेट से नागमणि को निकाल लेते हैं। जब खाना ही नहीं खाया तो मेरा पेट कैसे भर सकता है? हा? क्या कह रही हो तुम? गुस्सा मारूंगी ना, पेट के अंदर की छोटी बड़ी अतरी सब बाहर आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई? हाँ एग्जाम लिखा ही नहीं तो डिस्टिंक्शन में पास कैसे हो सकती हूँ? बताओ, बोलोगे या नहीं? वो अगर कहा कि ये भी सटेंगे तो मार डालूंगी मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं वो डॉक्टर ने कहा कि वो तुम्हारी सेटिंग है। मशीन में जो दिखा वो सेटिंग कैसे हो सकती है? और फिर मेरे पेट के अंदर की सेटिंग किसने बदल दी? मैं कच्चे आम देखती हूँ तो मन करता है कि चबा चबा कर सब खा जाऊं। दीवार की मिट्टियों को देखते ही कुरेद कर खाने का दिल करता है। ईंट देखती हूँ, लाल मिट्टी, ये सब देखती हूँ तो दिल करता है कि पेट इसी से भर लूं। क्या हो रहा है ये सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी जानकारी के बिना मेरे अंदर ये सेटिंग किसने की है मुझे जानना है। चलो बताओ क्या हो गया, क्यों ऐसे चुपचाप खड़े हो? चलो जवाब दो, बताओ मुझे, बताओ मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई, बताओ। ओम कालाय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम कालापाषाणायामि। दिग्विजय, नागिन को मारने के लिए एक महाशक्ति आ चुकी है।
एक एक बूंद ही काफी है उसे मारने के लिए। क्या ये विष? मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए पूछ रहा था। समय की वजह से दोनों के दिमाग में भूसा भर गया। अरे वो नागिन है, ये जहर उस पर काम नहीं करेगा। महासर्प के जहर के सामने ये विष कुछ नहीं है। ये कोई ऐसा वैसा विष नहीं है। तुम्हें जो संदेह है उसका मैं अभी निवारण करती हूँ। देखा दिग्विजय, इस विष की वजह से ये पेड़ पूरी तरह से सूखकर राख हो गया। ये एक पेड़ है और वो एक नागिन। उसे मारना इतना आसान नहीं है, मेरी बात ध्यान रखना। इस जहर से सब कुछ हो सकता है दाक्षायणी। डॉक्टर ने जो हॉस्पिटल में कहा और जो घर पर कहा और जो तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है, इसमें कोई सेटिंग नहीं थी। ये सब सच है शैलू। दूसरे को कितने दिनों से जानते हैं? तो महीने है ना? लेकिन डॉक्टर के हिसाब से, तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा 4 महीने का। वैसा विष नहीं है, सबसे भयानक विष है। समुद्र मंथन के समय बाहर निकला हुआ भयानक विष है। ये शिव के गले में भरा हुआ विष है। विष से भरे हुए सांप को मारने की शक्ति इस विष में है। दिग्विजय, इतने भयानक सर्प का भी नामो निशान मिट गया। अब वो नागिन भी इस विष के सामने कुछ नहीं। अब तुम ही बताओ, पहचान सिर्फ 2 महीने की और पेट में पल रहा बच्चा 4 महीने का, तुम इस पर भरोसा करती हो?
तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत किया है? मैंने सपने में भी कभी तुम्हारे बारे में ना कुछ गलत सोचा है ना कभी सोचूंगा। कैसी हो मैं अच्छे से जानता हूँ शैलू। मुझे कुछ भी समझाओ तुम नहीं समझ पाओगी। शिवानी प्रेग्नेंट थी, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तुम उसका रूप लेकर आई हो, इसीलिए तुम भी प्रेग्नेंट हो गई हो शैलू। गुरुजी, मैं कितनी बार आपकी दहलीज पर आऊं? मालिक के बारे में कुछ पता चला क्या या मुझे ही कुछ करना होगा? चांडिल वन में चला गया था, दिग्विजय को ढूंढने का नया रास्ता मिला है। दूसरा रास्ता मिला है? कौन सा रास्ता? सही समय पर अगर सही पूजा की जाए तो दिग्विजय दुनिया के किसी भी कोने में हो, माँ ज्वालामालिनी उसे मेरे सामने ला कर रहेंगी। माँ ज्वालामालिनी के आशीर्वाद से, ताड़ के पत्ते की सहायता से ये शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। कल ही सही समय है, दिग्विजय चाहे जहां कहीं भी है वो मेरी आंखों के आसपास ही रहेगा, क्योंकि हमारे आने वाले रास्ते के लिए, आगे के लक्ष्य के लिए दिग्विजय का यहां होना जरूरी है। नागिन के बारे में, नागमणि के बारे में, नागराज के बारे में दिग्विजय बहुत कुछ जानता है। उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली तो आगे का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं भी तो इसी के इंतजार में, मालिक को आना ही होगा और उनके जरिए मैं नागमणि को हासिल कर लूंगा। आप लोगों के नागमणि को जानने से भी पहले मैंने नागमणि को पाने के सपने देखे हैं और मुझे वो सपना साकार करना है। नंदीश, अब तुम जाओ, कल आओ, कल तुम्हारी आंखों के सामने दिग्विजय होगा। ठीक है गुरुजी। दाक्षायणी, कृष्णा, जाकर उसे दे दो, तुम वहीं रुककर उसे ये पिला देना। ये अगर उसके पेट में चला गया तो फिर उसकी जान बहुत ही जल्दी नागलोक पहुंच जाएगी। लो,
ये लो बेटी। ये क्या है? ऑरेंज जूस। वो क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? अभी तुम प्रेग्नेंट हो ना, जूस पीना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। अरे क्या सोच रही हो, लो पियो। नहीं चाहिए, मेरा जूस पीने का मन नहीं है इस वक्त। हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे को पीने का दिल करे। कितने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मना मत करो। लो पकड़ो इसे। ठीक है दीजिए, लाइए। नहीं नहीं नहीं, पीना पीना नहीं है। हे महेश्वर, ये तो बहुत अनुचित हो रहा है। ईश्वर, अगर वो घोर विष उसके अंदर चला गया तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। वो शिव नहीं शिव भक्त है। परमात्मा, आपके आशीर्वाद का रक्षा कवच जरूर उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी मृत्यु की घंटा घोष की आवाज सुनाई दे रही है। हे ईश्वर, उन चुड़ैल डाकनियों के विष प्रयोग से अपने भक्त की रक्षा करके उसे नहीं बचाओगे, आप नहीं बचाओगे। क्या सोच रही हो बेटी, पियो ना। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक और ग्लास मिलेगा क्या? हाँ हाँ। तुम्हें अच्छा लगा ना, यूं गई और यूं लेकर आती हूँ। बना कर रखा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे पता नहीं क्यों अचानक सिर घूम रहा है। ये कौन सा जूस था? शिवानी, ये एक स्पेशल जूस था, तुम्हारे लिए खास बनाया गया था। अच्छा, थैंक्स इस जूस के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटी, तुम आराम करो। महेश्वर, हर कोटक विष पीने वाले महाविष कंठ हैं आप। दाता बचा लो महेश्वर, वो आपकी भक्त है, आप ही का नाम जपने वाली भोली भाली है। उसकी रक्षा करो। अगर उसे कुछ हो गया तो पूरे नाग लोक का नाश हो जाएगा। नागा भरण, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। सुना था कि दारू पीने से ऐसा होता है। मेरी सहेली, उसने एक बार दारू पीकर डांस किया, लेकिन जूस पीने से ऐसा क्यों हो रहा है? अंदर बहुत जल रहा है, कितनी थक गई हूँ मैं, पूरा शरीर जल रहा है, लगता है बहुत थक गई हूँ। ओ माँ, अजीब सा क्यों लग रहा है? मैं मरने वाली हूँ क्या? क्या हो रहा है मेरे साथ? अब तक तो
जिस विष का प्रयोग हमने उस पर किया था उसके असर से वो मर चुकी होगी। उस विष की केवल एक बूंद में पूरी दुनिया को मिटाने की ताकत है, तो क्या एक मामूली नागिन बच पाएगी? अगर उसकी शक्तियाँ विष से भी तेज हुई तो? हो ही नहीं सकता। सारे संसार के असुर गणों को नष्ट करने वाला वो विष क्या इसे आसानी से जीने देगा? बहुत भयानक मृत्यु होगी इसकी। ये भी तो हो सकता है, अगर सही वक्त पर आकर किसी ने उसका इलाज कर दिया तो? हो ही नहीं सकता। उसके शरीर के अंदर इस विष के जाने के बाद कोई इलाज, कोई जादू टोटका कोई असर नहीं कर पाएगा। हर हाल में उसकी मौत निश्चित है। अब हमें नागमणि हासिल होगी और तृष्णा तुम्हारे बेटे की दुल्हन बन जाएगी। ए भांजे, यहाँ आओ। अरे आओ, एक बात बताओ, जिसे हमने जीवित नहीं है समझा था उस पत्नी को लाकर तुम अच्छा संसार बसा रहे हो, और मेरा नसीब देखो, मायके गई हुई मेरी पत्नी अब तक वापस नहीं आई। क्या है यार, प्यार अगर सच्चा हो तो कोई जुदा नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा सबूत है मेरे बेटा और बहू, और अगर प्यार नहीं है तो वो राह किस तरह भटकते हैं उसका सबूत तुम हो। वहाँ वो अब तक भगवान को प्यारी हो चुकी होगी, और यहाँ पर ये लोग बैठकर इन दोनों की अमर प्रेम कथा लिख रहे हैं। माम, शिवानी, उसने अब तक खाना नहीं खाया, जाओ एक ग्लास दूध तो दिया। हाँ माँ। हाँ माँ कहकर यहीं बैठे रहोगे तुम? मधुमती, केसर वाला दूध एक ग्लास लेकर आना। देखो त्रिशूल, केसर का दूध अगर पिएगी तो बच्चे का रंग और सेहत बहुत अच्छे होते हैं, माँ के लिए भी अच्छा है। ठीक है माँ। ठीक है कहकर फिर वहीं बैठे रहोगे? चलो आओ, आओ ही। ये लो। जाओ दिया। हे महारुद्र, बस वो मृत्यु के दरवाजे पर पहुंच ही गई थी, देखो तभी नागराज आ गया। तो क्या ये आपका ही बनाया हुआ रहस्य था महेश्वर? बेचारी सो रही है, थक गई है, बेचैनी। जीवन में जिस किसी को इस तरह का अनुभव हुआ हो उन्हें सिर्फ नींद में ही चैन मिलता है, मैं क्यों उसकी नींद खराब करूं? हे भगवान, गले का हार तो सुना था, लेकिन ये तो करंट का हार है, क्या लड़कियां इसे पहनती हैं? नहीं नहीं नहीं, उठने के बाद खुद ही पहन लेगी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। आप
फन उठाकर हमें नचाने वाली नागिन की कहानी आखिरकार खत्म हो गई। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये बात बिल्कुल सच हो जाए। उसकी लाश देखने की दिली तमन्ना है मुझे। सोचना क्या है, हम खुद ऊपर चलकर देखते हैं। चलो चलते हैं। शिवानी, अरे बाप रे, क्या कमाल का जूस पिलाया था आपने, कितना अच्छा था वो। लेकिन मैंने एक और ग्लास मांगा था ना, आपने नहीं दिया। अरे वो जूस तुम्हें दिया था। हाँ, वही जूस। ऐसा जूस तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पिया। पूरा बदन कांप रहा था अंदर से, अजीब सा किक मिल गया था मुझे। पहली बार जब पिया ना, तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा सिर दर्द होने लगा था। लेकिन अब लगता है मेरा सारा स्ट्रेस ही निकल गया है। लगता है जैसे 5 साल उम्र कम हो गई है मेरी। प्लीज मेरे लिए बस एक ग्लास बना दीजिए। और हाँ हाँ जरूर। माँ ज्वालामालिनी, मार्ग नेत्र को भेज दो, खोए हुए दिग्विजय को ढूंढने में हमारी मदद करो। ओ मार्ग नेत्राय नमः, आवायामि मार्ग नेत्रा, आवायामि। मार्ग नेत्रा, आवायामि। आ गए मार्ग नेत्रा, आओ जाओ मार्ग नेत्रा, जाओ। जिस दिग्विजय ने नागमणि चुराई थी, वो किसी भी दिशा में हो, उसे लेकर आओ। जाने वाला मार्ग नेत्रा है, खोया हुआ दिग्विजय जहाँ कहीं भी है, उसे सूर्यास्त से पहले वो ढूंढ कर लाएगा। आओ दिग्विजय, आओ। तुम्हारे आने के बाद ही तो मेरी मोहमणि के बारे में मैं जान सकता हूँ। तुम दोनों से एक काम नहीं होगा, और तुम दोनों किसी काम के लायक नहीं हो। जबान संभाल कर दिग्विजय, इससे आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी लाश भी तुम्हारे रिश्तेदारों को नहीं मिलेगी, समझे तुम? बार बार एक ही धमकी देना बंद कर दो। घर में बैठ के आराम कर रही हो बस। देख विजय, मत भूलो, तुम एक लाश के ढेर बनकर पड़े थे, और आज हमारे सामने ज़बान लड़ा रहे हो। वही तो, यही सच है। उसके बाद तारीफ करने लायक तुमने कोई काम नहीं किया है। चाहे इधर जाऊं या उधर जाऊं, सिर्फ हार मिलती है मुझे, हार। आज तक मैंने तुम दोनों की बात सुनी, और मैं जब तक तुम दोनों की बात सुनूंगा, मेरी सिर्फ हार ही होगी।
मुझे तुम यहाँ नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से। देख विजय, सोच लो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने इससे बुरे अंजाम देखे हैं। दरवाजा उस तरफ है, जाओ। जिंदगी बचानी है तो खुद की ताकत पर भरोसा करो। हर समस्या से खुद लड़ना पड़ेगा। घर लाए पूरा एक महीना हो गया है, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया हूं। शिवानी की मौत, रीना की मौत, पिताजी के दोस्तों की मौत, ये सब सोचकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूं। इन सब की मौत के पीछे क्या सिर्फ एक ही इंसान या एक ही वजह है? ये जाने बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। क्या हुआ, बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए हो? बीता हुआ कल। बीता हुआ कल मतलब क्या? वो बात यहाँ नहीं बता सकता, बाहर चलकर बताता हूँ। रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें सब बताऊंगा, इसलिए साथ चलने को कह रहा हूँ। जाओ, रेडी हो जाओ। ठीक है। ये कौन है जो मेरी सीमा को लांघ कर आया है? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ए, कौन हो तुम? तुम यहां क्यों आए हो? बताओ, नहीं तो अभी तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ये क्या गुरु, कुछ बताना है कहकर तुम मुझे मंदिर लेकर आए हो? इतना विश्वास है क्या भगवान पर? कुछ बातें बताने के लिए मंदिर ही बिल्कुल सही जगह है। ठीक है, बताओ, बोलो। स्वामी, आपने जिसे कहा मैं उसे लेकर आया हूँ। नाग नेत्र, मैंने तुमसे नागमणि चुराने वाले दिग्विजय को लेकर आने के लिए कहा था। ये कौन है? नहीं स्वामी, यही दिग्विजय है, नागमणि को चुराने वाला दिग्विजय। ये वो नहीं है, कहीं कुछ गलत हुआ है। नहीं स्वामी, कुछ गलत नहीं हुआ है, अपनी तक शक्ति से परीक्षा करके देखो। अब मैं चलता हूँ स्वामी, मेरा काम पूरा हुआ। मुझे जिंदगी में एक बार ही प्यार हुआ है और हमेशा वही रहेगा। मुझे भी सिर्फ उसी ने प्यार किया था, वो शिवानी है। हमारा प्यार ऐसा था कि जिसमें कोई गंदगी नहीं थी, सब कुछ सही था। सारे संसार के प्यार को अलग रखकर दूसरी तरफ अगर हमारा प्यार रखते तो हमारा प्यार ही जीतता। इतना सच्चा था हमारा प्यार। लोग हमेशा कहते हैं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, उतना प्यार करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन मेरी शिवानी ने अपने प्यार के लिए अपनी जान भी दे दी। वो थी मेरी शिवानी। ओह, ओह गुरु, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी शिवानी के बारे में, तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में, तुम्हारे रोमांस के बारे में सुन सुनकर मेरे कान अब पक गए हैं गुरु। एक बार और बता दोगे ना तो मेरे कान से खून निकलने लगेगा। बस हाँ, बस करो अब, प्लीज और मत कहो। लेकिन मुझे बताना होगा और ये सब तुम्हें सुनना होगा।
मेरे प्यार के बारे में, मेरी शिवानी के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है, एक खास बात नहीं बताई। मतलब कौन सी बात छोड़कर क्या बात है? मतलब इतने दिनों से तुमने जो कुछ भी बताया वो सब झूठ था क्या? ओह, मुझे तो लगता है कि शिवानी ने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया, तुम ही उसके पीछे पड़े होगे और जबरदस्ती तकलीफ देकर प्यार किया होगा। उसे ये प्यार पसंद ही नहीं था और तुमने जबरदस्ती ये प्यार हासिल किया। नहीं। जबरदस्ती हासिल किया हुआ प्यार नहीं था, वो भगवान का मिलाया हुआ प्यार था। देखो, मैंने तुम्हें सारी बातें बताई हैं, सिर्फ एक बात को छोड़कर, और वही बताने के लिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं। जैसा सब समझते हैं, शिवानी मामूली मनुष्य नहीं थी। ये क्या बात कर रहे हो तुम? सच किसी को ना बता सकूं, ऐसा सच, ऐसा सच जो तुम्हें जानना जरूरी है। दिखने में तुम्हारी जैसी दिखने वाली मेरी शिवानी मनुष्य नहीं थी, वो नागिन थी, नागलोक की नागिन।